हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? क्लास एलकेजी में मैंने आपको इसी रूम में कुछ वीडियोस सेंड किए हैं ना, तो फिर आइए शब्द श्लोक में फिर नेक्स्ट पेज में आपको वर्क देते हैं और वो वर्क आपको फिर से रिपीट करना है, मतलब नेक्स्ट पेज में। तो बुक का नेम क्या है? शब्द श्लोक। क्या है? शब्द श्लोक। और शब्द श्लोक में पेज नंबर फाइव। तो इस पेज नंबर फाइव में क्या है? व्यंजन स्टार्ट हुए हैं। अभी तक तो आपको स्वर आ रहा था ना, अभी तक आपको स्वर बताया मैंने, और अब सबके साथ साथ अब आपको इस पेज में क्या स्टार्ट होगा? व्यंजन। क्या स्टार्ट होगा? व्यंजन। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से व्यंजन लिखे हुए हैं। क्या है? ग, घ, अड़ा। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अड़ा। ठीक है ना? ये आपके कैथेगा वाली वन लाइन लिखी हुई है व्यंजन की। तो अब आपको देखना है का से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घर से घड़ी, आड़ा खाली। तो ये व्यंजन आपको कल्याण करना है। तो इसमें देखिएगा ऊपर क्या लिखा है? पढ़ो और लिखो। मतलब ये नहीं कि आपको ओनली लिखना ही लिखना है, लिखने के साथ साथ इसको पढ़ना भी है। ओके, लिखने के साथ साथ इसको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले वाली लाइन क्या है? क, ख, ग, घ, अड़ा। ओके, तो आपको अब इसकी कैठागा वाली लाइन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली लाइन में आपने देखा होगा दो दो अक्षर डबल बने हुए हैं, क, ख, ग, घ, अड़ा। तो अब इनको इन्हीं दो दो अक्षर को आपको इस पेज में कंप्लीट करना है, इसमें लिखना है। लिखने के साथ साथ जो ये पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर को भी आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको इस पिक्चर की पहचान भी करना है, जिसमें आपको जब आपके व्यंजन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको व्यंजन में फिर आपको आगे मिलेगा भी वक्त में कि चित्र देखकर अच्छा लिखो। तो अगर आप इसको साथ में पढ़ते जाएंगे ना, तो जब कभी आपको चित्र देखकर अच्छा आपका जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आप कंप्लीट कर दोगे। तो इसमें आपको इसमें का वाली लाइन करना है, इसमें ख वाली लाइन करना है, इसमें ग वाली लाइन करना है, इसमें घ और इसमें अड़ा। अब इसमें भी आपको ये देखना है, इसमें भी जो ऊपर और नीचे रेड कलर की लाइन है वो मतलब बॉक्स हो गया आपका, बीच में ओनली ब्लू कलर की थ्री लाइन है। बीच में ओनली जो ब्लू कलर की थ्री लाइन है, आपको उसी ब्लू कलर में सारे अक्षर बनाना है। जो बीच वाली ब्लू लाइन है ना, थ्री मतलब तीन लाइन जो ब्लू मतलब नीली है, जो तीन लाइन नीली खींची हुई है ना, तो आपको क्या करना है उन्हीं तीन लाइन में कैसे आना तक, मतलब इन्हीं तीन लाइनों में कैसे आना तक आपको बनाना है। ना तो आपको ऊपर वाली लाइन में बनाना है, ना आपको नीचे वाली लाइन में बनाना है। जब आप लाइन को पता कर लोगे ना, लाइन को काउंट कर लोगे ना, तो आपका जो अक्षर है ना वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इन लाइन को काउंटिंग करने के बाद, मतलब इन लाइन को गिनने के बाद, आप इस अक्षर को का को बना लेना और इस पेज में पूरा का लगा करके पेज फुल कर लेना। ओके, आप इसके बाद जब आप इस पेज को फिल कर लोगे ना, तो अब आएगा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है? पेज नंबर सिक्स। पेज नंबर क्या है? सिक्स। नीचे लिखा हुआ ना सिक्स। तो इस सिक्स पेज नंबर में आपको क्या करना है? अब आगे वाली लाइन आएगी व्यंजन की, जो आगे वाली लाइन है चा से चरखा, छा से छाता या छा से छतरी, जा से जहाज, झा से झूला और मिया खाली। ठीक है ना? तो ये आना खाली होता है आपका। तो अब इसमें भी देखना,
ये चाय से यहाँ तक आपके जो चाय वाली लाइन है ना, इसमें भी ऊपर पिक्चर लिखी है, तो इनकी भी पिक्चर आपको लिखना और पढ़ना और समझना है, जिसमें आगे आपको पिक्चर मैच, मतलब जो पिक्चर बना करके आपको अच्छा लिखा जाएगा, फिर मैच का पिक्चर भी दिया जाएगा, या मतलब उसको मिलान करो तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको भी इसी तरह है। आपकी इसमें भी ऊपर जो मतलब बॉक्स बने हुए हैं, तो बॉक्स तो सभी जगह बने हुए हैं, तो आपको रेड लाइन से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब जो लाल वाली लाइन है ना उसमें आपको कुछ भी नहीं बनाना। ऑनली जो बीच में तीन लाइन है ना, उन्हीं तीन लाइन में चा से चम्मच, छा से छतरी या चा से चरखा, छा से छतरी, जा से जहाज, जहाँ से झूला या खाली, तो आपको क्या करना है, इन्हीं तीन लाइनों में बनाना है। और एक यहाँ अड़ा है कहता है कि उसको आप बीच में टू लाइन में कर देना। ओके, तो इस पेज को आप देखना, पूरा फुल कंप्लीट करना है। ओके, तो पेज नंबर आज आपको 5 और 6 ये बुक में करना है बेटा, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद आप एक बार फिर से जो आपको सब लिखवाए थे उनको साथ साथ में आप रिपीट करते जाना, जिसमें आपके माइंड में सारी बातें कलर आए, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय।